राहुल गांधी का डोजो प्लान देश के सामने आया है। अब क्या है ये डोजो प्लान, इस वीडियो को आप देखेंगे तो समझेंगे, क्योंकि राहुल गांधी का ये कहना है कि भारत जोड़ो यात्रा जो उन्होंने पिछली बार की थी, अब वो एक नए सिरे से शुरुआत कर रहे हैं। और पिछली बार जब वो यात्रा करते थे तो मार्शल आर्ट से जुड़े हुए कई लोग, छात्र, युवा उनसे मिलते थे, और इसीलिए उन्होंने सोचा है इस बार वो डोजो यात्रा करने वाले हैं। और ऐसे ही अंदाज में से ट्वीट भी किया गया है, इस पर पोस्ट किया गया है। तो कुल मिलाकर एक तरफ राहुल गांधी का डोजो प्लान है, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी 2 सितंबर से सदस्यता अभियान की शुरुआत कर रही है। बीजेपी की एक कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ा जा सके अपने साथ। अब समझिए, देखिए, इस देश में 22% युवा वोटर्स, लगभग 23% युवा वोटर्स हरियाणा में है, और जम्मू कश्मीर में 29% युवा वोटर्स है। हम आपको दिखाएंगे ये युवा वोटर्स, महिला वोटर, ये किस तरफ जाते भी रहे हैं 19 के चुनाव में, 24 के चुनाव में ये किस तरफ गए हैं। लेकिन इसी के साथ साथ दिलचस्प ये भी है कि दोनों ही पार्टियां नए सिरे से अपने अपने सिर पर, आप कह सकते हैं अपने अपनी पार्टी में नई ताकत झोंक रही है नए सिरे से आने वाले चुनाव के बाद। अभी होना तो 4 राज्यों में चुनाव है, 2 राज्यों में चुनावी तारीखों का ऐलान हो गया है, जिसमें हरियाणा, जम्मू कश्मीर में चुनाव होने, और वो भी सिर पर आ चुका है। क्या है दोनों पार्टियों की रणनीति, क्या है राहुल गांधी का डोजो प्लान, और क्या है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आयोजित ये सदस्यता अभियान, जिसकी कर रहे हैं पीएम शुरुआत, इस रिपोर्ट में देखिए। तो अब एक और चीज की प्रैक्टिस करनी है, राहुल के साथ एक ट्रेनर भी है। सर्कल तो हमने सीखा, हम एक और चीज सीखेंगे सर्कल के साथ। राहुल गांधी के पोस्ट के मुताबिक ये वीडियो भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान बनाया गया। मैं बेस में ही चलूंगा। अब बिना बेस करेंगे। राहुल गांधी ने वीडियो शेयर करते हुए एक्स पर लिखा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान जब हम हजारों किलोमीटर की यात्रा कर रहे थे तो हमारे कैंप में हर शाम जियू जित्सु प्रैक्टिस करने का रूटीन था। यह फिट रहने का एक सीधा सा तरीका था, लेकिन यह जल्दी ही एक कम्युनिटी एक्टिविटी में बदल गया। हम जिस शहर में रुकते वहाँ यात्रा में शामिल लोग उन शहरों के यंग मार्शल आर्ट स्टूडेंट्स शामिल होते थे। पूरा का पूरा गेम एनर्जी का गेम है, और हम क्या सिखाते हैं, एनर्जी को कैसे पहचानना है, कैसे समझना है, कैसे देखना। वीडियो में राहुल गांधी ने अपने बारे में बच्चों को जानकारी दी कि वो किस मार्शल आर्ट में ब्लैक बेल्ट है, किस में ब्लू बेल्ट। मैं राहुल हूँ, मैं आइकिडो करता हूँ, आइकिडो में ब्लैक बेल्ट हूँ, जुजित्सु भी करता हूँ, जुजित्सु में मैं ब्लू बेल्ट हूँ। जो आज हम आपको सिखाने जा रहे हैं वो इन आर्ट्स का कॉम्बिनेशन है। वीडियो में राहुल गांधी बच्चों को अलग अलग अंदाज में सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, बट बिना कंधे के डायरेक्ट इस पे। राहुल ने एक्स पर आगे लिखा, हमारा मकसद इन युवाओं को इस जेंटल आर्ट की खूबसूरती बताना था, मेडिटेशन, जियोजित्सु, अकीरो और नॉन वायलेंट टेक्निक्स का कॉम्बिनेशन है। हम चाहते थे कि हिंसा की जगह उनमें जेंटलनेस हो, जिससे उन्हें अधिक दयालु और सुरक्षित समाज बनाने में मदद मिल सके। क्या सीखे, एक वर्ड में ग्रेविटी, क्या मतलब सेल्फ डिफेंस का, सबकी रक्षा करना। वेरी गुड, आपको क्या लगा, ओके मैंने सीखा, तुम पांचों की तरह मस्ती कैसे करनी है क्लास में। राहुल के पोस्ट की आखिरी लाइन है कि जल्द आ रही है भारत डोजो यात्रा। डोजो मार्शल आर्ट के ट्रेनिंग स्कूल को कहा जाता है, यानी ऐसी जगह जहां लोग जूडो, कराटे या किसी दूसरे मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करते हैं। तो भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी की डोजो यात्रा का मतलब क्या है, कहीं ऐसा तो नहीं कि राहुल जल्दी सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग के लिए कोई पहल करने वाले हैं जिसका सियासी मकसद युवाओं को जोड़ना हो सकता है। 2019 में आज ही के दिन पीएम मोदी ने फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत की थी, कहीं ऐसा तो नहीं कि भारत डोजो यात्रा उस फिट इंडिया का जवाब हो या फिर लड़ाई की तैयारी का संदेश। मैं समझ रहा हूँ कि जो इट इज अ रिफ्लेक्शन, जो है आपको एक आइकॉनिक तौर पे इसी प्रकार के उससे आप एक मैसेज देते हैं कि कांग्रेस इज प्रिपेयर्ड फॉर, और पूरा सीरियसली लेते हैं, वन टू वन जो लड़ाई के लिए हम लोग तैयार हैं, उसके उसका एक मैसेज। जोड़ने की बात करें तो वो चाह क्या रहे हैं कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत का भाग फिर से बने क्या, मतलब समझ नहीं आ रहा है। जब से वो टुकड़े टुकड़े गैंग के लोगों के साथ मिले, बहुत पहले की बात है, ये जोड़ने की उनमें कहां से बात आ गई है। भारत जुड़ा हुआ है, मजबूत है। अब दूसरी बात उसमें कह रहे हैं कि भाई मैं थोड़ा मार्शल आर्ट्स, कराटे, कुंफू, दो भी बोल रहे हैं, जिजुत्सु,
ये सब कहाँ सीखा उन्होंने? भारत में सीखा, चीन में सीखा, चीन के साथ कांग्रेस का एक नाता भी चलता रहा है, उन्हीं के राजदूत से मिले जब गलवान और ये सब हो रहा था, डोकलाम हो रहा था। तो इसीलिए ये बड़े गंभीर सवाल उठेंगे राहुल गांधी जी पे कि उनकी मंशा क्या है। राष्ट्रीय खेल दिवस पर राहुल गांधी का वीडियो हरियाणा चुनाव को लेकर भी काफी अहम है, क्योंकि हरियाणा ऐसा राज्य है जहां से बड़ी तादाद में खिलाड़ी आते हैं। हरियाणा के लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने कमर कस ली है, बैठकों का दौर चल रहा है और टिकट के दावेदार फाइनल किए जा रहे हैं। सैनी साहब के 6 महीने, खट्टर साहब के 9.5 साल के अपराधों को और पापों को तो खत्म नहीं कर पाएंगे, लोगों को वो 9.5 साल अच्छी तरह याद है। हम मजबूती से वहाँ चुनाव लड़ेंगे और बेहतर प्रदर्शन करेंगे जम्मू कश्मीर में भी और हरियाणा में भी। तो एनर्जी डालने के लिए राहुल गांधी की प्रस्तावित डोजो यात्रा कांग्रेस को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की मुहिम भी हो सकती है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद तैयारी दोनों ओर से है। बीजेपी भी 2 सितंबर से सदस्यता अभियान की शुरुआत कर रही है। इस अभियान को पीएम मोदी हरी झंडी दिखाने वाले हैं, क्योंकि पहला चरण सदस्यता का 2 सितंबर से माननीय प्रधानमंत्री जी सदस्य बनके उस अभियान को शुरू करेंगे और हम लोग 25 सितंबर तक भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता, मोर्चे, प्रकोष्ठ, संगठन के सभी लोग सभी बूथों पर जाकर सदस्यता अभियान को घर घर जाकर पूरा करेंगे। मैं देश में ही चलूं। राहुल के वीडियो का संदेश जो भी हो, लेकिन ये तय है कि कांग्रेस मजबूत लड़ाई की तैयारी कर रही है। आज तक ब्यूरो।